आज अपन लोग करने वाले हैं ट्रैक्टर वर्सेस मेगा रैंप, यानी कि जो ट्रैक्टर इस मेगा रैंप के ऊपर चढ़ जाएगा वो हमारा होगा आज का विनर। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं कि हमारी मतलब स्कॉर्पियो को इसके सामने लगाते हैं और जल्दी से अपना फर्स्ट ट्रैक्टर लेते हैं, जो कि सबसे खतरनाक ट्रैक्टर होने वाला है, क्योंकि सबसे बढ़िया ट्रैक्टर वही है और जो ट्रैक्टर होगा वो खतरनाक होगा। देखो अब लेते हैं सबसे पहले स्वराज और इसको करते हैं स्वेपन और अब इसको चढ़ाते हैं इसके ऊपर। मेरे को जहाँ तक यकीन है ये ट्रैक्टर पक्का चढ़ जाएगा, क्योंकि ये सबसे दमदार ट्रैक्टर है और सबसे पहले खास तरीके से मॉडिफाइड भी है। ये ड्रैगन की इसके ऊपर छाप है और देखो ये शुरू में इसने बढ़िया तरीके से चढ़ा और रुक भी गया है, ठीक है कोई बात नहीं, सबसे बढ़िया चढ़ा एक तरीके से मानो तो। देखो साफ ऊपर से तरफ प्लेन जाती हुई काफ़ी बढ़िया लग रही है और देखो ये इतनी दूर तक आसानी से चढ़ गया है। अब इस साइड से चढ़ाते हैं, इस साइड से शायद तो पक्का चढ़ जाएगा। सेकेंड रैम वैसे थोड़ी ऊँची है लेकिन ये चढ़ जाएगा। देखो ये रुक गया थोड़ा सा, चढ़ गया। देखो रुको थोड़ा सा बाकी रहा, बस चढ़ गया थोड़ा सा रहा और ये देखो सेकंड रैप में इसने आसानी से पार कर लिए और ये नीचे आ गया। भाई इसकी ब्रेकिंग इतनी बढ़िया नहीं है, ठीक है। तो अब लेते हैं सेकंड रैंप, यानी कि ये दो रैंप इसने पार कर ली थी आसानी से। अब अपन लोग लेते हैं सेकंड ट्रैक्टर जो कि है HTM का, वो भी काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर है क्योंकि ये सामने से काफ़ी तगड़ा मॉडिफाइड है, जो कि सामने से इसकी तरफ लगाई हुई है AK-47 और कलर भी काफ़ी बढ़िया है और साथ ही में मतलब बढ़िया तरीके से मॉडिफाइड भी किया हुआ है इसको। ये मेरे को जहाँ तक यकीन है ये चढ़ जाएगा। वैसे सामने से थोड़ा खड़ा हो रहा है आगे से इसका इंजन, लेकिन काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। तो इसने फर्स्ट तो आराम से आसानी से मतलब चुटकी में पास कर लिया है और सेकंड रैंप देखते हैं कि ये पास कर पाता है कि नहीं कर पाता है। देखो इतनी दूर तक तो आ गया है, ये थोड़ा सा बैक हो गया यार, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको दोबारा से करते हैं, दोबारा से चढ़ाते हैं, एक बार से मतलब सीधा चढ़ेगा तो सही है, वरना तो ये नीचे गिर जाएगा। ये एक गया थोड़ा सा बचा भाई, एक टायर गया भाई समझो आगे। ये सामने से क्या खतरनाक तरीके से खड़ा हुआ यार, ठीक है इस बार चढ़ाते हैं। ये सामने से खड़ा हो गया और ये नीचे गया यार, सिट यार, ये ट्रैक्टर भी फेल हो गया। मेरे को लगता है कि यार ट्रैक्टर बहुत ही कम है जो इसके ऊपर चढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आज इस बार हम ले रहे हैं जॉन डियर, जो कि मेरे को यकीन कम ही है क्योंकि जॉन डियर सिर्फ ज़मीन पर चलने वाला होता है। इसमें इतना ज़्यादा पावर होता है कि मतलब कि ये सीधा चढ़ सकता है और लेकिन ऊँचाई पर नहीं चढ़ सकता ये ट्रैक्टर। और काफ़ी बढ़िया तरीके से भी इसको मॉडिफाई किया हुआ है, ऊपर सिद्धू मूसे वाले की फोटो भी लगी हुई है। इस तरफ ले जाते हैं और देखते हैं कि देखो मिस्यू सिद्धू भाई लिखा हुआ है और इस तरफ देखो ये सामने से खड़ा हो रहा है बट ये नहीं चढ़ रहा। देखो इसमें बिल्कुल भी पावर नहीं है, एक तरीके से मरा हुआ है ये, सिर्फ नाम का इसके अंदर इंजन लगाया हुआ है अगले वाले ने। देखो अब इसको दोबारा से जा लेते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं, शायद तक चढ़ जाएगा इस बार। ये भाई साहब क्या खतरनाक तरीके से ऊपर से खड़ा हो रहा है यार, इसमें दम तो है लेकिन यार ये वो वाली बात नहीं है, मतलब कि ये ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। देख सही तरीके से बताऊँ तो ये ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इसको करते हैं चेंज और अब लेते हैं न्यू ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर सही में बढ़िया नहीं है। एक बार लास्ट ट्राई करते हैं इसको, अगर इस बार चढ़ गया तो मान लो कि ये ट्रैक्टर बढ़िया है। इसको थोड़ा सा भगा के ट्राई करते हैं, मेरे को इसमें दम लगा बस, सीधी सी बात है। नहीं यार ये नहीं जाएगा भाई सही में, इसका स्टेयरिंग भी इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। अब लेते हैं न्यू हॉलैंड और ये भी काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर है एक तरीके से। देखो सामने से देख लो आप क्या सीन है इसका, और इसको ले जाते हैं बैक और लगाते हैं जल्दी से। ओके तो अब इसको ले जाते हैं जल्दी से ऊपर की तरफ, शायद तक ये ट्रैक्टर चढ़ जाएगा। जहां तक मेरे को यकीन है ये ट्रैक्टर हमारा विनर होने वाला है, क्योंकि ये काफी बढ़िया है, मैंने और जगह भी इसको पहले ट्राई किया था। देखो ये आसानी से जा रहा है, नहीं यार ये इस रैंक पर भी नहीं चढ़ रहा है। देखो एक बार फिर से ट्राई करते हैं लास्ट बार, अगर इस बार चढ़ा तो ठीक है, वरना बहुत सारे ट्रैक्टर है, बाद में टाइम भी नहीं है इतना कि हम सारों को टेस्ट कर पाए एक बार में। देखो ये चढ़ गया, थोड़ा सा बचा यार, नहीं इस ट्रैक्टर में सही में दम नहीं है, यह मरा हुआ ट्रैक्टर है एक तरीके से, या सिर्फ नाम का इसके अंदर इंजन लगा हुआ है, जो कि मेरे को लगता है कि स्प्लेंडर का इंजन डाल दिया है इन्होंने। और अब लेते हैं अर्जुन, अर्जुन काफ़ी नाम काफ़ी बढ़िया है इस ट्रैक्टर का और फुली मॉडिफाइड भी है, मतलब कि पीछे इसके मतलब कि एक तरीके से मतलब सारी स्पीकर लगा रखे हैं और ये सामने से खड़े होकर अपने करतूत, ये नीचे गया यार, फिर से नीचे गया भाई। सही में इस ट्रैक्टर में दम तो है लेकिन वो क्या है कि इसका स्टीयरिंग बहुत खतरनाक है, इतना अच्छा नहीं है, स्टेबल नहीं है इसका स्टीयरिंग, तो ये नहीं चढ़ पाएगा जहाँ तक मेरे को यकीन है। देखो इसको एक बार लास्ट बार ट्राई करते हैं और मेरे तो को यहाँ से जहाँ तक यकीन है ये चढ़ जाएगा, आराम से चढ़ जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से। और देखो ये काफ़ी बढ़िया है, अब ले जाते हैं इसको सामने से, एक बार लास्ट बार ट्राई करते हैं और ये अपना ट्रैक्टर चला एकदम खतरनाक तरीके से और ये रोक दिया हमने, ठीक है। अब दोबारा से ट्राई करते हैं, मतलब अब सीधा हो गया, अब जिसको चढ़ाते हैं भगा के, और ये सामने से खड़ा हो गया और ये गया ये नीचे गया यार, ठीक है कोई बात नहीं, ये ट्रैक्टर तो हमारा हार गया है। अब अपन लोग नया ट्रैक्टर ट्राई करेंगे जो कि होगा हमारा एकदम तकड़ा सा ट्रैक्टर मेसी, तो ये ट्रैक्टर पक्का चढ़ जाएगा। ये ट्रैक्टर मैंने बहुत बार देखा है और ये पक्का चढ़ जाएगा क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा दम है, 1950cc का इसके अंदर इंजन लगा हुआ होता है और ये काफ़ी बढ़िया है एक तरीके से, और इतना ज़्यादा मॉडिफाइड भी नहीं है। देखो सिंपल तौर पर रखा है इन्होंने और बढ़िया है, इसको एक बार से सामने से कर लेते हैं और उसके बाद ले जाते हैं इसको ऊपर की तरफ। देखो ये जाने वाला है और ये देखो क्या आसानी से पार कर लिया है, सामने से खड़ा भी हो गया भाई, ये नीचे गिर गया यार, ये भी नीचे गिर गया भाई, ये ट्रैक्टर है कि क्या चीज़ है, मतलब सामने से खड़ा हो गया, ठीक है एक बार और ट्राई करते हैं। मेरे को इस ट्रैक्टर पे यकीन है यार ये गिर जाएगा पक्का, मतलब गिर जाएगा क्या, मतलब कि चढ़ जाएगा यार, आराम से चढ़ जाएगा आसानी से। और देखो इतनी दूर तक तो ये आ गया है और देखो अब ले जाते हैं इसको दोबारा से और देखते हैं कि ये चढ़ जाएगा, मेरे को जहाँ तक यकीन है
ओके, तो इसने इतनी दूर तक आसानी से पार कर लिया है, एक तरीके से मानो तो आसानी से चढ़ गया है। और देखो इतनी दूर आ गया है, एक लाइन इसने पार कर ली भाई। मैं कहा था ना ये ट्रैक्टर बहुत बढ़िया है और चढ़ भी जाएगा, स्टीयरिंग भी इसका बढ़िया है, इतना ख़राब ही स्टीयरिंग नहीं है, बस सेकंड थोड़ा सा ऊपर है। अगर ये वाला चढ़ गया तो मान लो कि इसने पार कर लिया, फिर ऊपर के तीन पार करना इतनी हार्ड बात नहीं है, आसानी से पार कर लेगा ये। देखो क्या मक्खन की तरह चढ़ रहा है भाई ऊपर, देखो कितना गजब तरीके से चढ़ रहा है। सही बताऊँ तो इस ट्रैक्टर में बहुत ज़्यादा पावर है और बहुत ज़्यादा बढ़िया भी है ट्रैक्टर। देखो इतनी दूर इसने आराम से चढ़ लिया है और ये देखो आराम से आ गया यार, क्या खतरनाक। ठीक है तो इसको भी ट्राई करते हैं, ये भी अपना चढ़ जाएगा। ठीक है और ये देखो ये मतलब थोड़ा सा कम है, मतलब पावर थोड़ा सा कम है, अगर इसको पीछे से लेकर करेंगे तो कर जाएगा। वैसे ट्रैक्टर काफ़ी बढ़िया है, मतलब कि कहीं से भी इसको रोक के शुरू कर लो ये आसानी से ऊपर की तरफ चल जाता है। और ये वाली भी इसने आसानी से पार कर लिया रैंप। ओके तो ये वाली दो रैंप इसने आसानी से पार कर लिए, अब है तीसरी वाली रैंप जो कि कर लेगा मेरे को जहाँ तक यकीन है। देखो इतनी दूर तक आ गया है आसानी से और ये रह गया यार, मेरे को क्या लगता है कि ये ट्रैक्टर रह जाएगा, नहीं जा पाएगा। फिर भी एक बार ट्राई करते हैं, ये देखो इतना पावर दिखाते हुए और ख़तरनाक तरीके से इसके इंजन का साउंड आते हुए, और देखो ये क्या क्या मतलब कि खतरनाक यार। देखो चार रैंप इसने आसानी से पार कर लिया भाई, क्या खतरनाक ट्रैक्टर है यार ये। ओके तो अब देखो लास्ट रैंप है और ये लास्ट रैंप पर चढ़ते ही अपना ट्रैक्टर हो जाएगा विनर आज का, और एक तरीके से मानो तो बढ़िया हो जाएगा। देखो अब देखो ये गया, ये थोड़ा सा बच गया भाई, वरना तो नीचे चला जाता ये ट्रैक्टर भी हमारा हार जाता, बट मैं चाहता हूँ कि ये ट्रैक्टर जीते, मैं इसको इतनी आराम से ले जा रहा हूँ और एक तरीके से ये बढ़िया भी है ट्रैक्टर, मेरे को काफ़ी बढ़िया लगता है ये ट्रैक्टर। देखो ये रह गया यार, ये रुक गया भाई, सही में रुक गया बस। जोर तो बहुत कर रहा है ट्रैक्टर का इंजन लेकिन नहीं कर रहा काम। ठीक है इसको बैक लेके आते हैं एक बार और उसके बाद ट्राई करते हैं कि ये साइड तक चढ़ जाएगा। देखो ये रुक तो काफ़ी बढ़िया रहा है, मतलब ब्रेक तो काफ़ी बढ़िया है इस ट्रैक्टर के, और ये नीचे गया, बच गया थोड़ा सा। ठीक है इस बार ट्राई करते हैं थोड़ा सा, मतलब खींच के लेते हैं इसको, साइड तक ये चढ़ जाएगा ऊपर और ट्रैक्टर विनर भी हो जाएगा। देखो इस बार जाते हैं और ये हक दिया मैंने, खैर कोई बात नहीं, हक के मैंने साफ भी कर लिया है। ठीक है ये फिर से इसने हक दिया है और इस बार चढ़ जाएगा जहाँ तक। देखो ये बाप ट्रैक्टर है सबका और ख़तरनाक भी है ये, देखो अब सामने से खड़ा होकर गया भाई, क्या खतरनाक सीन है यार। देखो क्या खतरनाक, मतलब कि ये इसने रैंप पार कर लिया है और देखो क्या खतरनाक तरीके से। तो ये है आज का हमारा सबसे खतरनाक ट्रैक्टर और सबसे विनर ट्रैक्टर। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।